नहीं तो भारत की नागरिकता को पॉइंट नंबर टू में प्रॉब्लम है यादव ने रोका। ओके पप्पू यादव एक सेकंड, आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान से बोला नागरिकता ले लो। ओके पप्पू यादव एक सेकंड, अब जरा दिखा दे भाई इनके हाथ में क्या कागज है, शोएब जमाई क्या दिखाना चाहते हैं, बोले क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए ये कानून है सीए का कानून जो आपने पारित किया है, संसद में पारित हुआ है, इसके सब सेक्शन टू में देखिए आप पॉइंट में कि ये किस तरीके से आपने इसको रिलीजियन बेसिस पर एक कानून बनाया है जो कि आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती केस में कहा था कि कोई भी सरकार जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। रीजनेबल क्लासिफिकेशन में भी ये फिट नहीं बैठता। हम ये कह रहे हैं कि व्हाई नॉट मेक इट रिलीजियन न्यूट्रल। ये जो बात आप कह रहे हैं विकास गुप्ता, ये सुप्रीम कोर्ट चली गई है ना, यही शिकायत सुप्रीम कोर्ट चली गई है ना, 144 याचिकाओं में जो बात कही गई है वो 144 कॉपी यही लगी होंगी ना, के इसके अलावा कुछ लगा है उसमें नहीं रोहित जी, वो इसी विषय को लेके अदालत गए ना। जो आज का मुद्दा है रोहित जी उस पे रहे कि शाहीनबाग खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए, संवैधानिक तौर पे ये जो कानून पारित हुआ है, शर्मा जी ने कहा कि एक बार पार्लियामेंट ने कर दिया तो आपका विरोध क्यों, क्यों इतने ऐसे कानून बने हैं जो पार्लियामेंट ने पास करे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम, देखिए मैं तो अब सबसे लास्ट बोल रहा हूं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल टचस्टोन पे रहेगा या नहीं रहेगा ये सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दूसरी बात, आज आप कोर्टों की आड़ में जो आपको एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने चाहिए कि 67 दिन से अगर एक जगह पे यातायात ठप है तो ये सरकार का दायित्व बनता था कि वहां पे जाके प्रदर्शनकारियों से बात करते और सड़क जो पुलिस ने जान करके बंद करी हुई है कि जिससे कि लोगों का सुविधा रहे। अच्छा, और दिल्ली के एक बात मैं जानना चाहता हूं विकास जी, आपने उस सड़क का आप मैं आपको बता रहा हूं, मैं एक सेकंड, एक सड़क खोली जा सकती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, लेकिन आप जान के कोर्ट मेरा एक सवाल है एग्जीक्यूटिव डिसीजन, मैं वसीम रिजवी के पास जाऊंगा उसके पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आप समझदार आदमी है, बातचीत किससे करे सरकार, एक सेकंड, ये सज्जन आए यहां पर शोएब जमाई, मैंने इनसे पूछा कि आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, इन्होंने कहा नहीं साहब हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये इनका ट्विटर हैंडल है, ये इनका ट्विटर हैंडल है, अब सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ कुछ उसको सुनिए ध्यान से, ये इनका ट्विटर हैंडल है, इस पे लिखा है प्रेसिडेंट इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन कमिटेड फॉर नेशनलिज्म मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहीनबाग मूवमेंट, और इन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारी औपचारिक कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कोई आधिकारिक बयान नहीं दे सकता वहां से, लेकिन सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल पर ये सबको यही बताते हुए घूमते हैं कि मैं शाहीनबाग का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूं, अब वहां किसको आधिकारिक माना जाए, किसको गैर आधिकारिक माना जाए, किससे बात की जाए, किससे बात ना की जाए, बात तो सब नेता बने घूम रहे हैं, सवाल करना चाहते हैं और लाइमलाइट भी लूट रहे हैं, सुन लीजिए आप ये बात मूवमेंट है पीपल्स मूवमेंट है, देखिए ये क्या फिर काफी छोड़िए इसको फोर्जरी मानेंगे क्या, छोड़िए आप, अगर कोई चला जाए 400 BC की शिकायत लेकर इसमें तो माना जाएगा उसको, मैंने देखा हुआ है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, क्यों आज मुद्दा ये है, आज मुद्दा ये है, आप एक झूठे आदमी की पैरवी कर रहे हैं, आप ये मुद्दा ये है, नहीं आप देखिए ये जो है आप मुद्दा अभी वकील से पूछ रहा हूं उसके बाद आपसे पूछूंगा, बोलिए बताइए, मैं यही कह रहा हूँ वो अपने ट्विटर हैंडल पे क्या लिखते हैं ये मेरा अधिकार नहीं है, अच्छे आप वकील हैं, वकील के नाते कानूनी बात पूछ रहा हूँ आपसे, डालने दीजिए आप, आप दुनिया भर का कानून बता रहे हैं, इस मामले में कानून चल जाता आपका, नहीं जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट करिए, अगर शर्मा जी को लगता है कि इन्होंने कुछ किया है तो जाइए और करिए, आईपीसी दम तोड़ देती है, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, जो हो रहा है इस वक्त शाहीनबाग में जिसके आरोप लगने लगा था, इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार को 67 दिन से जो केंद्र सरकार को जिनके पास पुलिस है उन्होंने जो सड़क को बंद किया अपने आप कहता हूं, इन्होंने जो कहा कि वहां पर लीडरलेस आंदोलन, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता, बकायदा वहां पर जाकर लोगों ने संबोधित किया, मणिशंकर अय्यर ने किया, शशि थरूर ने किया, सबके लिए इजाजत है, आप भी आइए, आप भी आइए ना, आप भी आइए, आप तो प्रोपेगेंडा समझते हैं, अरे प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे तो वहां बातचीत करेंगे, भाई के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री भी आके बातचीत करें, स्थापना दिवस के अवसर पर किस तरह से उल्लेख किया, मणिशंकर अय्यर ने जाकर पाकिस्तान के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई भी आके बात
साबित करें। ऐसे झूठे पाकंडी शाहीन बाग की महिलाओं को 500-500 रुपया का कहने वाले महिलाओं की बेइज्जती करने वाले महिलाओं की इज्जत नहीं करना चाहते। यहाँ पे आके ज्ञान से बात बनेगी। अरे आप जाइए भाई, यहाँ से आपको क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना, क्यों नहीं आए शाहीन बाग, महिलाओं की आड़ में क्यों नहीं आए शाहीन बाग। यही बात तो डांट खाया है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, इसी को डांटा है शाहीन बाग के लोगों को बदनाम मत कीजिए। मुझे लगता है ऐसे ही रवैये की वजह से कोई नहीं जा रहा शाहीन बाग इनकी तरफ। कम से कम बातचीत तो ढंग से कर ले सब लोग। बोलिए ना, मैं तीनों को बोल रहा हूँ, मैं तीनों को बोल रहा हूँ, महिलाओं को 500-500 रुपया करके बेइज्जती करेंगे, इनको जाने का अधिकार है। बोल लीजिए, रुक जाइए, बस बहुत हो गया, एक सेकंड। वसीम रिजवी, बातचीत से बात बनेगी क्या, रास्ता खुलेगा? जब ये बैठ के यहाँ कह रहे हैं कि मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर भी नहीं हूँ, लेकिन सब खुद को मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बताते हैं और ये भी सवाल उठाते हैं कि वार्ताकार किस लिए आना था, तो सरकार को आना था, फिर बात कर रही थी तो। रोहित जी देखिए, जिस तरह से एक संविधान को बचाने की दोहाई देकर गैर संवैधानिक तरीके को अपनाया गया है, आपने लोगों को परेशान किया। आप ठीक है, आपकी मांग कुछ भी है, आपका अधिकार है, आप धरना दे सकते हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए जहां पर धरना देने की जगहें बनी है। आप दीजिए धरना, दीजिए अपनी बात कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिकाएं पेंडिंग है, तो आपको कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। किसी कानून के तहत आप लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी कानून के खिलाफ आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर के जिस तरह का, जहां तक के सीए का रोहित जी सवाल है, अब शोएब साहब यहां बैठे हैं, जिस वक्त यह धरना शुरू हुआ तो वहां पर आवाज यही उठी कि साहब मुसलमानों को इस देश से निकाला जा रहा है। एक भ्रम का, एक भय का माहौल ये पैदा किया। आप बताइए कि सीए में जितना भी ये कानून की किताबें और सीए एक्ट को दिखा रहे, किसी भी एक क्लॉज में ये बता दे कि कहां पर लिखा है कि मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, या ये लिखा हो कि सीए से मुसलमानों को यहां से देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो गुमराह करके लोगों को इकट्ठा करना, उसके बाद जगह जगह शाहीन बाग बना देना, तो ये एक पॉलिसी के तहत देखिए चल रहा कदम है, पॉलिटिकल मामला है। स्टेज अगर आपको लगता है हो रही थी, मुझे बात पूरी होने दीजिए। स्टेज से तमाम लोग आए, वहां से देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात चली, उसका भी इस्तकबाल हुआ, कांग्रेसियों का इस्तकबाल हुआ, तमाम लोगों का इस्तकबाल हुआ। अब आप कहते हो कि हुकूमत भी आए अपनी बात रखे, तो आप ये हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते कि आप कहीं पर रोड जाम करके बैठ जाए और कहे कि सब कानून हुकूमत मुझसे यहां आकर बात करे। अगर हुकूमत आपको टाइम दे रही है मिलने का, तो हजारों लोगों से मिलकर बात नहीं हो सकती। आज कानून, आज अदालत ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया था वो लोग वहां गए थे, क्या बात हो पाई? हजारों लोग, बिल्कुल बातचीत हुई है, नहीं मैं बता रहा हूँ, वही चल रहा है। उन्होंने पूछा है तो मैं जवाब दे दूँ, कमेटी बनानी पड़ेगी क्योंकि हम तो वही मौजूद है ना, अभी वहीं से आ रहे। चलिए, आप वही मौजूद थे लेकिन आपने खुद कह दिया ना आप अधिकृत नहीं है। मेरे पास अधिकृत आदमी है, मेरा रिपोर्टर वहां पर मौजूद है जो लगातार वहां पर था, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि वहां क्या बातचीत हुई, रिपोर्टर नहीं था, बातचीत हो पाई कि नहीं हो पाई। रुक जाइए, मैं बता रहा हूं ना, एक सेकंड रुक। रिपोर्टरों का आना बंद कर दिया आप लोगों ने, साधना जी ने कहा था कि दिन तक आप कहते रहे कोई मीडिया नहीं आएगा। आज जब वार्ताकारों ने कहा मीडिया को हटाओ, तो आप लोगों ने कहा नहीं नहीं, मीडिया को कैसे हटा दें, मीडिया को रखो अंदर। साधना रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मीडिया के लोग चले जाएं, सर सारा सीक्वेंस बाकी लोगों ने तो कहा। जब रास्ते में थे, जाम की वजह से लेट हो रहे थे, तो वो सीक्वेंस दिखाया हमने पूरा का पूरा, बोलेंगे तो दोबारा चला देंगे, जिसमें वो मंच से कह रही थी मीडिया हटा दो, नीचे से लोग कह रहे थे नहीं मीडिया को रोको, मीडिया के रहते हुए बात करेंगे। चिराग तो खुद ही चाह रहे थे कि मीडिया के सामने बात हो। रुक जाइए, साधना जी ने कहा 65 दिन आप मीडिया से दंगे मार के बाहर निकल रहे थे, आज आपको लगा कि नहीं मीडिया के सामने बात होनी चाहिए, सब पता लग रहा है। एक सेकेंड चिराग गोठी, सिर्फ ये बता दीजिए बातचीत हो पाई नहीं हो पाई, हुई तो क्या बातचीत हुई, क्या पता लगा? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।